सब कुछ जय यीशु की। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु ने हमें फिर से एक मौका दिया है अपनी हजूरी में उपस्थित होने का और प्रार्थना भवन चैनल के माध्यम से आपके साथ स्तुति करने का। आज की ये प्रातः वंदना, स्तुति, आराधना और महिमा प्रार्थना पर आधारित विषय पर हम करेंगे। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 हमें याद दिलाता है कि प्रभु ने यूं कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, और जो मांगता है उसे दिया जाता है। प्रभु कहता है प्रकाशना ग्रंथ में कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि तुम द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। इसलिए आइए इस वक्त प्रभु की हजूरी में खड़े होकर हम उसकी महिमा करें। आप जहां कहीं भी हैं, जो भी कोई काम कर रहे हैं, और यदि इस टीवी चैनल के माध्यम से आपके कानों तक प्रभु की महिमा गीतों के द्वारा पहुंच रही है तो उसी जगह से आप प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। भाई संदीप हमारी अगुवाई करेंगे इस गीत के माध्यम से। नजदीक आए हैं।
हम साथ लाए हैं। हमारे हाथ खाली हैं, जब कुछ हम साथ लाए हैं। मसीहा हम तेरे दर पे दुआ करने को आए है। जो मेरे पास आता है वो कभी अंधकार में नहीं भटकेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त है। प्रभु ने कहा मैं संसार की ज्योति हूं। फरियाद लाए हैं, मसीहा भर दे झोली को, यही फरियाद लाए हैं। हमारे हाथ खाली है, न कुछ हम साथ लाए हैं। मसीहा हम तेरे दर पे दुआ करने को आए, गाते जाएंगे मसीहा हम तेरे दर पे दुआ करने को आए, हर एक बार जाएंगे मसीहा हम तेरे दर पे दुआ करने को आए, हर एक बार गाइए दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हम तेरे दरबार में दुआ करने को आए हैं। हम तेरे दरबार में शांति पाने को आए हैं। हम तेरे दरबार में चंगाई पाने को आए हैं। हे प्रभु यीशु,
हमें अपनी शांति से, अपनी चंगाई से, अपने सामर्थ्य से भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप जीवित प्रभु हैं, आपका वचन जीवित है, आप जीवन देने वाले प्रभु हैं, आप चंगा करने वाले प्रभु हैं, आप शांति देने वाले प्रभु हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, इस इबादत में हमारे साथ रहिए, हमारी सोच विचार पर, हमारे होठों पर अधिकार लीजिए, इस प्रांगण पर, हमारे घर पर अधिकार लीजिए। हे पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा, जीवित यीशु की आत्मा, हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की चंगाई, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस वक्त अपने जीवन में और परिवार में ग्रहण करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, सहज अच्छी चीजें देते हो तो मांगने वालों को पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं प्रदान करेगा। तेरे आगे में हाथ उठाता हूं प्रभु, तेरे कदमों में अपने सिर को झुकाता हूं प्रभु। तू ही तो है जो मुझे दिलासा देता है और मुक्ति प्रदान करता है। जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश नवाऊं, तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश नवाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे है मिलती शक्ति, तू ही दिलाता है मुक्ति
चंगा हो गया हूं, तेरे छूने से मेरा जीवन बदल गया है प्रभु, क्योंकि तू ही जीवन का सत्य है, तू ही मेरा प्रभु है। राहों पे मुझे ले चल, मेरा मार्गदर्शन कर, मेरी राहों का दीपक बनकर अपना जीवन मेरे जीवन में भर दे। ऐसा छू लिया है मुझको ही बदल हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है जब जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा और तुम्हें उत्तर दूंगा। हे प्रभु यीशु, मैं अपनी प्रार्थना को और अपने निवेदनों को आपके चरणों में रखता हूँ। इस वक्त मैं अपने पुरोहितों के लिए, धर्माध्यक्षों के लिए, सभी प्रचारकों के लिए, सेवक सेविकाओं के लिए आपसे निवेदन करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हर एक के जीवन में आपका सामर्थ्य भर जाए, इन्हें छू लीजिए और इन्हें विश्वास में दृढ़ बनने का वरदान दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना गाइए। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के सभी शासकों के लिए, प्रशासकों के लिए, अधिकारियों के लिए, हमारे शहर के सभी जनता के लिए,
हमारे शहर के सारे लोगों के लिए एक एक को प्रभु को समर्पित करके हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन पर अधिकार ले, हर एक की सोच विचार को शुद्ध और पवित्र कर। जो जिम्मेदारियां इन पर सौंपी गई हैं, प्रभु उन्हें अच्छी तरह से इन्हें करने का सामर्थ्य दे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त जो भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, रोग शैया पर हैं, अस्पतालों में हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, प्रभु की सांत्वना और दिलासा इन सारे लोगों को मिले, प्रभु का चंगाई भरा हाथ इन्हें स्पर्श करे। जैसे यीशु ने पेत्रुस की सांस को छुआ और उसका बुखार जाता रहा, वैसे ही आज प्रभु आप लोगों को जो बीमार हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, आप लोगों को स्पर्श करे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस वक्त माता पिता के लिए, उनके बीच में तेरा प्रेम परस्पर बना रहे, इनकी संतानों के लिए प्रभु जो दूर दराज में रहते हैं, जो इनके पास रहते हैं, अनेक लोगों के बीच में, माता पिता और संतान के बीच में प्यार नहीं है प्रभु, उस प्यार को फिर से प्रभु पनपने दे, इन्हें स्पर्श कर, एक दूसरे को माफ करने का सामर्थ्य इन्हें प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं नवयुवक युवतियों के लिए, अनेक नवयुवक युवतियां आपसे दूर भटक गए हैं, सांसारिक माया मोह के जाल में फंस चुके हैं प्रभु, इस वक्त जितने भी लोग इस टीवी चैनल के माध्यम से नवयुवक युवतियां अपने जीवन में प्रभु दिलासा पाना चाहते हैं, आपके प्यार को पाना चाहते हैं, इन्हें स्पर्श कीजिए, इन्हें अपनी ओर आकर्षित कीजिए, वचन के सामर्थ्य से इन्हें अपनी ओर आकर्षित कीजिए प्रभु, जिससे ये तेरे साथ रहकर कार्य करें और हर एक अपने जीवन में बहुतायत में आपकी चंगाई और आशीष को ग्रहण करे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। भाई और बहनों अंगीकार कीजिए, विश्वास कीजिए, जितने लोगों ने आज के दिन में आराधना की है, यदि आप में से कोई गुर्दे की पथरी से पीड़ित था तो इस वक्त प्रभु ने उसको निकाल दिया है, प्रभु ने पूरे सामर्थ्य से उसे जला दिया है और इस वक्त आपके गुर्दे की पथरी निकल गई है, निकल गई है। जैसे उसने शैतान का सिर कुचला, वैसे ही वह पथरी भी कुचल दी गई है। विश्वास कीजिए, आप चंगे हो गए हैं। प्रभु को महिमा दें, जाकर धन्यवाद दें प्रभु को। ये प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आशीर्वाद दे।
आ